सारा कुछ निकल गया बट फाइनली करवाने जा रही हूँ। और अभी भी पता नहीं है यार, मेरा अभी भी कैंसिल हो रहा था और अभी ना मुझे बिल्कुल नहीं पता। वैसे तो मैं जा ही रही हूँ तो होएगी, क्यों नहीं, कैरेटिन तो होएगी ना। तो और ना फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, बस अब सीज़न आ गया है समझ लो। रेडी होकर मैं दोबारा सो गई थी और इसको छोड़ो,
बट सीज़न आ गया है, फेस्टिव सीज़न, अब ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे सारे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता ही है। और इससे पहले मैं सोच रही हूँ करवा चौथ वगैरह सब कुछ आएगा, इतनी भीड़ हो जाती है पार्लर वगैरह में, तो कैरेटिन तो करवा के मैं कर ही लेती हूँ, टाइम ही नहीं होगा आगे आगे फिर। और ये गए कानपुर, तो मैं सोच रही थी आज मैं खुद इतना फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ, क्योंकि ये होते हैं तो मेरे से नहीं जाया जाता, और ये होते हैं तो फिर कहते मत जा आज ये कर वो कर, इसलिए अब आपको लेके चल रही हूँ, चलो मेरे साथ। मैंने अपनी कैब बुला ली है, आने वाली है। जब तक मैं आपको ये बता दूँ, कल मैं अपने सिस्टर इन लॉ के बर्थडे पे गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने नहीं व्लॉग बना पाई, और थोड़ा बहुत जो बना पाई हूँ मैं आपको उसमें डाल दूँगी। मैं अपनी तो वीडियो बना ही नहीं पाई एक बार भी। क्यारा ने जो पहना था कल वो अभी भी पहना हुआ है, उसमें मैंने वही पहना दिया, अभी दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली मैं सारे होते हैं वहाँ पे, और इस वजह से सारी फैमिली थी, तो फिर अजीब सा लगता है वीडियो बनाने में, मैंने इस वजह से नहीं बनाया। जो थोड़ी बहुत है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, इसी वीडियो में डाल दूँगी, स्टार्टिंग में डाल दूँगी, और आप देख लेना। और अभी हम साथ चल रहे हैं ऐशन नील, और देखते हैं भैया वही वाले फ्री हैं कि नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, फाइनली हम जा रहे हैं, चलो स्टार्ट है, चलो। सो फाइनली मैं आ गई हूँ ऐशन नील, सो फाइनली मेरा कैरेटिन हो रहा है यार, विश्वास नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं होता था ना, आज भी कैंसिल होते होते बचा है, बट फाइनली अभी टाइम लगेगा, एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया मुझे आए हुए। ये मैंने टैबलेट्स खाई थी, मेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना सिर में दर्द हुआ था, मैंने इससे हुआ ये।
कॉफ़ी इतनी टेस्टी होती है ना कि बस सच में बता रही हूँ कि मैं चाय को छोड़ सकूँ। चाय तो चाय है यार। क्या वो क्या रहा, थक गई? अच्छे लग रहे हो आप, वेरी गुड। असली वाला बैग क्या नकली भी होता है क्या? नकली कुछ भी इसमें देखो ना, पता क्या किया, कम से कम मेरे 3 बार वॉश किया है हेयर वॉश, और इतनी देर तक उन्होंने जो बबल्स हो जाते हैं ना उसको पता है कितने 5-6 मिनट ऐसे ही रख दिया। हेयर वॉश ऐसे ही करना चाहिए, इतने महंगे शैम्पू यूज़ करना होता है ना तो ऐसे ही करना, क्योंकि हम भी वही यूज़ करते हैं जो ये लोग देते हैं। अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या कोई भी रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, कलर ग्लोबल करवा रहे हैं या हाइलाइट्स करवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको अपने बालों को, अपने हेयर को जैसे मेंटेन रखना है, जैसे वही चीज ट्रीटमेंट जो अब मैं केराटिन करवाया है, केराटिन में ये होता है कि केराटिन से रिलेटेड ही शैम्पू लेना चाहिए, थोड़ी ना कुछ भी लगा लो फिर उसके इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। तो अभी मेरे 20 मिनट बाद प्रेसिंग होगी, जो कि मैं अपने माउथ पे वो लगा लूँगी मास्क, देखते हैं। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही हूँ, डॉक्टर की फीलिंग आ रही है, सॉरी डॉक्टर की फीलिंग। हाँ डॉक्टर बनी बड़ी फुल फुल है ना नींद आ रही है, ये हटा लेना मास्क हटा लो कुछ भी भैया से स्पेशल लिए मैंने ये मास्क। सो फाइनली मेरा केराटिन हो गया, अब कल फिर जाना है और हेयर वॉश करवाना है। स्वेटिंग नहीं आने देनी है, ठीक है? बस और कुछ, और मैं आने दूंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। चलो हम घर पहुंच गए हैं और मैं आपको
अलविदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस, क्या रहे बस बाय कर दो, इसने मास्क नहीं उतारा अभी तक। बाय। मैं घर पर आ गई थी वो तो पता ही है, बट इतनी ज़्यादा थकी नहीं यार मैं आज, पता नहीं इतनी देर तक बैठी रही, 4 घंटे बिल्कुल नहीं थकी मैं आज, और बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हो। हेयर तो मैं ऐसे लटका के रह लूँगी क्योंकि हेयर जो है वैसे तो कुछ नहीं होता यार, मेरे को नहीं होता कुछ भी ऐसा कि टेढ़े हो जाएंगे हो जाए तो हो जाए, बट हाँ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी था मेरा करवाना जो इतना दिनों से पेंडिंग था जो फाइनली हो गया है। और क्यारा ये क्यारा ने मास्क लगाया हुआ है और मेरी दाल बन के रेडी है।